एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द विषयक एक दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमल जी सील जी, पूर्व कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर अमरजी लोचन, संयुक्त संकाय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, आपसे भी सर विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अनमेश प्रकाश जी, सहायक आचार्य पाली, केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, सर आप भी मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द उद्घाटन सत्र में हमने सुना प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी, भिक्खु दोर्जे दमदुल जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, प्रोफेसर अमरजी लोचन, संस्थान के हम सब के अभिभावक एवं संरक्षक, संस्थान के कुलपति वांगचू दोर्जे नेगी जी को। अगर इस पूरे संगोष्ठी को अभी प्रोफेसर राम सुधार सर जब संचालन कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि मैं साहित्य का छात्र हूँ, तो मैं भी साहित्य का छात्र हूँ। अगर इस पूरे संगोष्ठी को मैं दो शब्दों में व्यक्त करूँ, श्रीपाल सिंह छेम की एक कविता है कि एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी, जिंदगी की यहाँ अनगिनत डालियाँ, किसी पर सुमन बन खिलो तो सही, किसी पर सुमन बन खिलो तो सही। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रथम सत्र का आगाज करते हुए मेहर सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी को खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। मेहर सिंह नेगी जी दुबे सर, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कमल सिंह जी को खतक और अंगवस्त्र प्रदान कर डॉक्टर सुचिता शर्मा जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करेंगी। डॉक्टर सुचिता शर्मा जी, ये है इसमें, है भाई इसमें सर। प्रोफेसर कमल सिंह जी को डॉक्टर सुचिता शर्मा जी खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और हम सब के मुखिया प्रोफेसर अमर जी लोचन जी को अंगवस्त्र खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर डॉक्टर रवि रंजन द्विवेदी जी उनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर डॉक्टर रामजी सिंह जी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनिमेश प्रकाश जी को डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। एक सादा दो। भारतीय रंगमंच पर गौतम बुद्ध का उदय एक ऐतिहासिक घटना है, जिन्होंने अपने प्रभाव मंडल से न केवल भारतीय चेतना को प्रभावित किया बल्कि उनके प्रखर चिंतन से विश्व की सामाजिक मनीषा भी
आलोकित हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से पहली बार बुद्ध चिंतन के माध्यम से भारतवर्ष ने एक विशिष्ट दर्शन का निर्यात किया, जो पीड़ित विश्व मानवता की मुक्ति कामना से संपन्न था। विश्व लोकमानस ने गौतम का करुणापूरित युग संदेश को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। इसे एक महापुरुष के अहिंसात्मक दिग्विजय की संज्ञा दी जा सकती है। अगर एक शब्द में कहूँ तो कहूँ कि बुद्ध देव की अमृतवाणी आग बुझाती है दुख की, बुद्ध देव की अमृतवाणी आग बुझाती है दुख की, यह वाणी आधार बनी है युग से मानव सुख की। तो भगवान बुद्ध का जो संदेश है, अभी उद्घाटन सत्र में भी कुलपति महोदय कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति महान तब होता है जब उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। भगवान बुद्ध का जो जीवन दर्शन था, जो उन्होंने कहा वो किया, इसलिए वो भगवान बुद्ध महान कहे जाते हैं। उनका दर्शन पूरे विश्व में आज व्यापक तौर पर प्रासंगिक है। प्रथम सत्र के संचालन में परम सद्धेय गुरु प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी कह रहे थे कि आज हम युद्ध की विभीषिका से चारों तरफ संतरास, तनाव, कुंठा, घुटन व्याप्त है। ऐसे में यह भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन कितना प्रासंगिक है। परस्पर सौहार्द की बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे बात पर हम झगड़े कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और परस्पर सौहार्द की बात आज हमने इस विषय को रखा है। हम इससे कितना सीखेंगे, कितना आत्मसात करेंगे इस संगोष्ठी का, जितना हम आत्मसात करेंगे इस संगोष्ठी की सफलता उसी पर निर्भर करेगी। मैं बहुत समय न लेते हुए हमारे यहाँ आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर अनिमेश प्रकाश जी, एक प्रखर वक्ता, युवा अध्येता, पाली और बौद्ध अध्ययन के, मैं बहुत समय न लेते हुए उन्हें बड़े सादर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आवे और अपने विषय पर वक्तव्य दें। प्रोफेसर अनिमेश प्रकाश जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संगे छुदन छुकी छुनमला जंगजुग पड़तु तग्नि कब सूची दकी छिंसो गिवे सुनम की डोला फेंचिर संगे टिकुट शुक। आई जनरेट अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑनरेबल भिक्खु संघा, ऑनरेबल भिक्खुनी संघा, द चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन एंड माई गुरु प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, माई पाली टीचर्स प्रोफेसर लाल जी, प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी, स्कॉलर्स ऑन द डायस, participants and august guest. It is indeed a great pleasure for me to be here today with you all. I am going to share some of the observations on Buddhist educational values. Who transmitted the Buddha's word? How Buddhism was transmitted to the different land, to the foreign land? The answer is Bhanak. Bhanaka is a Pali word which means the reciters, the educators, or the real transmitters who were responsible to memorize the specific text of their areas and transmit the Buddha's word to the next generation. First of all, I salute all those educators through their effort only, we are having a huge corpus of Buddhist text, and now we can categorize several dimensions of Buddhist education at present. Very much thankful to the speakers of inaugural sessions who supported my discussion. First of all, Geshe Dorje Dandula rightly analyzed the definition of well-being as defined by WHO. He says that the state of complete physical, mental, and social well-being, but not merely the absence of disease. This is what we call well-being. Again, Professor Chaudhary and Professor Harikesh Singh ji discussed the importance of Bhavanamai Paiya and the four pillars of learning, particularly the value-oriented learning. Our Vice Chancellor also indicated the methodology of education used by the Buddha, by the quote, Charat Bhikkhave Charikam Bahujan Hitaya Bahujan Sukhaya. So what we use the methodology in Buddhist education by that and by the contemporary to the Buddha, among the six philosophies, and what the methodology we are using at this modern time, we need to contemplate on this.
In very general statement, not philosophical, if someone asked me to define Buddhism in one line, I would say sab papas akaranam kusalas upasampada sachitta pariyodapanam etang buddhanusasanam. Sab papas akaranam is not avoiding all evils. Kusalas upasampada. Kusalas upasampada is about gathering of merit, which our Honorable Vice Chancellor has talked much about the punya sambhar in the inaugural session. Sachitta pariyodapanam, purifying one's own mind. And this is what the teachings of all the Buddhas, not just Siddhartha Gautama. If you minutely contemplate on this verse, you will find this is not just a recitation, not just a group of words. This is a sort of psychic factor, psychic power, positive mental attitude, which a person, which a meditator need to develop through jhanas, through meditation. Undoubtedly, Buddhist education system is one of the prominent among ancient Indian education system. It can be considered as instrumental to the present world of dirt and disturbances. The values embedded in this philosophy, especially the ethical and educational values, have great prospect to make this world a better place to live in. These values, in real sense, can give directions to the present educational trend as well as can foster desirable social change. Educational value in Buddhism implies ideals that are practiced by the Buddhist system of education in their teaching-learning process, while ethical values imply moral ideals upheld by Buddhist philosophy for regulating man's thought and conduct. Through this very small paper, an attempt has been made to observe Buddhist educational and ethical values as depicted in Pali canonical literature, commentarial literature, and sub-commentarial literature. Some of the modern, some secondary sources are also used to reflect upon the contribution to the modern education system by modern scholars and leaders such as His Holiness the 14th Dalai Lama. Education is not mere an instrument through which we collect the informative data, but overall development of real human being is expected through it. Among the different connotations of education in Pali literature, the term Sikha is the most appropriate one. Etymologically, Sikha is made up with Sayang and Ik. Sayang is Swayam, oneself. Ik is seeing. So self-seeing, self-comprehension, self-understanding is what here it is meant. Again, Sayam is also used in the sense of Samma, in the sense of right. So it is again the right understanding, right comprehension of phenomena, the phenomena as it is, as in reality. So therefore, Sikha or education in Buddhism, particularly on the basis of the literature, it means learning or experiencing thing by self-comprehension or self or seeing together, which are conducive to righteousness and humanity. After the Mahaparinirvan of the Buddha, a hierarchy of eminent scholars, teachers, came into existence in monastic order. Thereafter, several lineages of teachers evolved in the Buddhist education up to the early Christian era. Buddhist education developed in two distinct methods, popularly called as Pariyatti and Patipatti. Pariyatti is that aspect of Buddhism which includes the theoretical knowledge of Buddhism acquired by studying scriptures and shastras, whereas the experimental knowledge is gained only by treading upon the path as laid down in the text, technically called Patipatti. Education is also understood as the three pillars of training, three stages of training in different periods of writing. I mean to say here, writing means the canonical writing, commentarial writing, and sub-commentarial writing. For example, canonical writing defines sila, samadhi, and panya. Sila is morality, samadhi is concentration, and panya is wisdom as the three pillars of Buddhism. I quote one of the references of Jatasutta, which is preserved in the Sanyukta Nikaya. There is a conversation between Jata Brahmin and the Buddha. Jata Brahmin asked Buddha, the inner tangle, the outer tangle. This whole generation is entangled in this tangle. So I ask you, O Gautam, who will succeed in disentangling this tangle? मेरे अंदर भी जंजाल है, मेरे बाहर भी जंजाल है, ये पूरी दुनिया इस उलझन में उलझी हुई है, जकड़ी हुई है, इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन इस उलझन को सुलझाएगा? Then the Buddha replied,
What the Buddha replied? Buddha replied the three pillars of Buddhism, the three trainings, the three learning, three education, three methodology, that is Sila, Samadhi and Panya. And he said, having well established on virtue, Sile Patitthaya, having well established and well established in virtue, develops concentration and wisdom. Then the bhikkhu, what sort of bhikkhu? Ardent and sagacious, he will succeed in disentangling this tangle. So anto jata bahi jata jatai jatita paja tang tang gotamang puchhami so imang vijatiya jatang. So answer is panya. In the inaugural session also, Geshe Dorje Damdul, I am very thankful to him who talks about the two types of, two sort of transformation. So we have to more care about the effective transformation he was analyzing in the inaugural session. Again, after the canonical explanations, we have commentarial explanation where the Buddha Ghosha again, these three types of pillars, again he has been defined as Adhishil, Adhichit and Adhipanya. And again in the sub-commentary, Acharya Dhammapal, the commentary of Vishuddhi Magga defines Sikha in the sense of three training. He says, Sikha ti, Sikhitab athena Sikha, Sikhanang chethe asivanang dathabang. Here, training refers to the development of skills or mode of thoughts which are to be exercised in relation to particular ends or function in according to the rules, such as such modes of thought or activity. Thus, Buddhist education can be summarized under threefold education, namely Seal, Samadhi and Panya. Explaining the concept of education, Pestalozzi stated the three H concept like development of head, development of heart and development of hands, which can be understood as knowledge, attitude and skill respectively. This is similar notion within Buddhist education such as Sunat, Dharet and Charat Dhamme, which means listen carefully, digest it and behave according to the teachings of the Buddha. In the beginning of my discussion, I said the importance of bhanakas. They did it as it is. The three concepts they followed. Buddhism conveys this meaning by using the three words, sikha, used for education, vinaya, that is discipline, and jnana, that is right understanding. So the aim of education is to build a disciplined person, and vinaya cultivates one education until its final goal is eternal bliss. The practical side of education must be integrated with potentiality of human nature. In this paper, I also wanted to discuss the contribution to the modern Buddhist education system as initiated by His Holiness the Dalai Lama. Highlighting the importance of moral ethics in the education system, His Holiness the 14th Dalai Lama is of opinion that the university should undertake more research, work and discussion for developing moral ethics in students. Why? Because in Europe, church took care of the moral ethics and family value. Now, efforts were being made to introduce moral values in the education system. Many universities have introduced some projects as experiment like meditation that gave positive results. Dalai Lama says that ethics must be based on secularism, not on religion. Secularism means respect to all religion. He further says that we need to imply a secular approach to ethics, secular in Indian sense of respecting all religious tradition and even view of non-believers in unbiased way. According to His Holiness the Dalai Lama, what will really change the world coming to better understand our emotion and how to manage them on the basis of secular ethics. I believe we can change our emotions by using our intelligence to raise our awareness. Through an education system which is motivated by compassion, we can extend the sense of well-being of all people, not just for our own circle, eventually bring peace to entire human being on this planet. I am very much thankful through this discussion. I am very much thankful to the Delhi government and the CBSE board and ICSE board. The School of Happiness was started in the School of Delhi in 2018, and on the initiative of the Dalai Lama, the syllabus prepared for that curriculum, for that children's, that has been divided into three parts. In the first part, children are taught mental concentration. In the second part, stories are narrated to the children, and they are asked to narrate the same stories. In the third part, children are asked to do activities that gave them understanding of the world around.
Since there is no exam in this course, the children are stress-free. Following the footsteps of Delhi government, once again, Lucknow University also introduced the happiness curriculum since 2020-22 batch at postgraduate level. It was launched by the Department of Education. The education of happiness is an interdisciplinary course that can be pursued by any master students. The basic aim of curriculum is to highlight the difference between peace of mind and material happiness, what the Geshe Dorje Damdullah has explained. I have noted down, my time is up, I know, just in 2 minutes, sir, I am just summarizing my discussion. I have noted down some 9 points, 9 aspects of modern Buddhist education system. I am just naming them, and that is the intellectual competence, learning efficiency, community living, self-sufficiency, mindfulness, ideal teachership, reverence of teacher, and moreover, there are 2 more aspects of Buddhist teaching that encourage the development of scientific thinking. First was its rationality, which encouraged thinking and discourse rather than unquestioning acceptance of tradition. Like as it is well said in the Kalama Sutta in Pali, that Buddha said, "O monks, bhikkhave, do not even believe my words until you examine it, until you justify it." So this is what the practicality of Buddhist education. The second aspect was the emphasis on causality in Buddhism. The overall education provided in Buddhist societies was more open and less ritualized than Brahmanic teaching. Buddhist education was meant for the growth of the personality and to explore the quality of man inside a man. The debating of shastras and exchange of ideas among the scholars were accepted as on the basis of academic excellence. I am leaving 2 related points to discuss here. By the way, if anyone is interested, I am always available here. I can discuss with you. I can learn from you. Those 2 points are the first, the respect to educators. Educators means obviously of different communities, irrespective of caste and creed. And secondly, the important transition from residence, from a normal residence to the seat of learning is a remarkable one in the history of Buddhism in India. The growth of Biharas as educational center may also be noticed from the passage of Manorath Purni, a commentary literature. It says that even if there be 100 or 1,000 monks practicing Vipassana meditation, there will be no realization of the noble path if there is no learning, that is Pariyatti. Now, I end my small observation on Buddhist education with a quote from Milarepa. He says, "I attain all my knowledge through studying my mind within. Thus all my thoughts became the teachings of the Dharma. So long as I do not become separated from my own mind, I am always accompanied by sutras. I have realized that all manifestations are mind and the mind itself is the illumination." Lastly, I am thankful to Honorable Vice Chancellor, Professor Wangchuk Dorje Negiji, Honorable Registrar, Dr. Sunita Chandraji, and each committee member of this seminar who gave me this wonderful opportunity. Thank you very much. Bahut bahut dhanyavad, Dr. Anvesh Prakash ji. Anvesh Prakash ji, abhi bahar charcha ho rahi thi hamari aapki, to keh rahe the, sir, kya bolna hai, kaise bolunga. आपने सुना होगा, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छा देता है. बाहर मुझे बहका रहे थे कि मैं कैसे बोलूँगा, कैसे नहीं. और अब मैं आज के हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी. प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का निरंतर मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहता है संस्थान में. आप अपने ज्ञान से हम सबको अब सिंचित करते रहते हैं. मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और अपने विचार व्यक्त करें. पंद्रह मिनट का समय तो है ना सर, उसी के अनुसार बात करूँगा. लिखा तो है, जो मिला है उसमें 15 मिनट का समय लिखा है. गुने ही ओ सील समाधि पैया विमुत्तियान पबती ही युत्तो कैतंग जनानंग कुसलत्तिकानंग तमरियंग संगंग शीर्षा नमामी. पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित मंच और गुरु तुल्य सामने बैठे हुए बड़े बड़े आचार्यगण,
एवं छात्रों, यह पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमर जीव लेवचंद जी का, जिन्होंने बुद्ध धर्म को G20 में बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिल्कुल ये हाशिए पर था, उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया। और इसका कारण भी है, बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से रहे तो अंदर से आग तो रही होगी कि भाई ये अपना जो विषय है, जो हमने जो पढ़ा है और इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो शांति है, इसमें जो सुख है, इसमें जो प्रेम है, इसमें जो मैत्री है, वो बाहर निकलना चाहिए, लोगों तक संदेश जाना चाहिए कि बुद्ध धर्म क्या है। और इसको फैलाने के लिए उन्होंने जो ये कार्य किया, जो पवित्र कार्य किया, पावन कार्य किया, उसके लिए मैं अमरजीव लोचन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस संस्थान के और उनको सहयोग करने के लिए संस्थान के कुल सचिव और कुलपति जी को भी मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपने विषय पढ़ाता हूँ। विषय बौद्ध जीवन शैली है। बौद्ध का यह मतलब नहीं है कि केवल बुद्धं शरणं गच्छामि कह दे, धम्मं शरणं गच्छामि कह दे, संघं शरणं गच्छामि कह दे और उसके अनुसार वस्त्र धारण कर ले, यह हमें लगता है कि बौद्ध नहीं है। पूर्व में हम लोगों ने देखा कि भाई एक क्रांति थी, बुद्ध एक क्रांति का नाम है। बुद्ध का अर्थ ही होता है जागृत होना, इनलाइटेड वन, जो जगा दे वही बुद्ध और जो जग जाए वह बौद्ध। और हम जगे कैसे, वही जीवन शैली, कैसा हम जीवन जिए, कैसी हमारी जीवनचर्या हो, किस पथ पर हम चले ताकि हम जागृत हो जाएं और लोगों को भी जागृत कर सके, वही जगाने का काम तथागत भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, उसके पहले वो लोक में नहीं था। इसलिए जब उनको ज्ञान मिला तो वह उपदेश नहीं देना चाहते थे कि छेन में अधिगतं हलंदानी पकास्तु राग दोष पड़ते ही नायन धम्मोसु संबंध। उन्होंने लोक को देखा कि यह लोक जो है यह राग द्वेष से एकदम लिप्त है और मेरा जो धर्म है, मेरा जो विचार है, मैंने जो प्राप्त किया है बहुत कष्ट से प्राप्त किया है, यह राग द्वेष से जो घिरा वो दिखाई नहीं देगा, उसमें आवरण है। जैसे इसके नीचे क्या है यह हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यह आवरण है। जब तक कि इस आवरण को नहीं हटाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं। उसी आवरण को हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद पैदल चलते हुए कितना कष्ट उठाया होगा। लोगों को एक तरफ थी, एक करुणा थी ताकि जो हमने जो पाया है वह उसे भी दे दूं, उसे भी मिल जाए, उसे भी सुख मिल जाए, उसे भी शांति मिल जाए, यही उनकी एक तरफ थी। और इसी के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास करता रहा और भिक्षुओं को भी उपदेश दिया कि देशेत भिक्षुवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं परियोशान कल्याणं। यह जो धर्म है जो मैंने तुम्हें बताया है उसकी देशना तुम करो। और किस लिए करो? क्योंकि यह आदि कल्याणं, यह आरंभ में कल्याणकारक है, यह कल्याण कराने वाला है। अगर तुम चलने लगोगे तो कल्याण वहीं से शुरू हो जाएगा। मध्य कल्याणं, अगर तुम मध्य में पहुंच गए यानी कुछ और आध्यात्मिक के स्तर पर ऊपर उठे तो वहां भी कल्याणकारक है। परियोशान कल्याणं, और अंत में तो कल्याण है ही है क्योंकि वहां तो निर्वाण है, सुख ही सुख है, परम सुख है, उसके आगे दूसरा कोई सुख ही नहीं है, वह तो परम कल्याणकारक है। तो उन्होंने यही कहा कि उसका कथा सार्थक अर्थ के साथ समझाओ क्योंकि जनता राग द्वेष से भरा हुआ है।
उसको व्याख्या करके बताओ यह धर्म कैसे कल्याणकारक है। सब व्यंजन उपमाओं के सहारे समझाओ, उदाहरण के सहारे समझाओ, ताकि वह दिल को छू जाए। क्योंकि बुद्ध धर्म, बुद्ध का वचन केवल बोलने के लिए नहीं है, उसे आचरण में उतारेंगे। जब तक कि हम उसे आचरण में नहीं उतारेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। यह तो जीवन की कला सिखाता है। बुद्ध तो एक कला है, हम कैसे जिए यह बताता है। यही इसका उद्देश्य बुद्ध का रहा, हम कैसे जिए, हम भी सुखी रहे, दूसरा भी सुखी रहे। यही बुद्ध धर्म है, यही परस्पर सौहार्द है। पहले हम अच्छा से जीना सीखे, जैसा कि प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी ने कहा था कि भाई जो ज्ञान जो है वह तीन प्रकार के है, सुनकर ज्ञान हो गया, या कहे पहले श्रुति था, अब तो किताब आ गया है तो पढ़कर ज्ञान कहें, पढ़कर ज्ञान हो गया तो पढ़कर ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जैसे कहने हिंसा नहीं करना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह ज्ञान हो गया, लेकिन हम झूठ बोलते हैं और अपने बेटा से अपेक्षा करते कि वो झूठ ना बोले, और उसी के सामने हम खुद झूठ बोलते हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तेसुतमय ज्ञान हुआ, उसके बाद चिंतन मनन करते भाई झूठ कर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत हम अशांत रहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलते हैं। तो ये सुतमय और चिंतनमय से कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि हम उसे भावना के स्तर पर ना उतारे, जब तक कि हम उसे अपने जीवन का अंग ना बना दे। अगर हम 100 झूठ बोलते हैं तो उसे धीरे धीरे स्नेह स्नेह, ऐसा नहीं है कि अचानक कम हो जाएगा, धीरे 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 कम करना शुरू करें, और फिर अंत में जो है उस झूठ बोलने से हम ऊपर उड़ जाएं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही सब अन्य पापों को करवाता है। अगर हम झूठ बोलना अगर छोड़ दें तो अन्य सारे पाप भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाप करने के बाद आप सत्य बोलेंगे नहीं, झूठ ही बोलेंगे। तो झूठ बोलना जो है सबसे बड़ा जो है हमें लगता है कि यह पाप है, इसको पहले हम लोगों को अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह परिशुद्ध रहता है, उसमें किसी प्रकार का जो है राग चुकी द्वेष रहता नहीं है, वो जानता ही नहीं है। उसे हम सिखाते हैं कि हम पिता हैं या माता है या भाई है या बहन है या बड़ा है या छोटा है, इसके साथ खाना चाहिए, इसके साथ नहीं खाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो वो फिर उसे अलग अलग राग द्वेष आने लगा, अपना जहाँ अपनापन का भाव आया वहाँ राग आया, जहाँ दूसरे का भाव आया वहाँ द्वेष आया। और जब राग द्वेष धीरे 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 उसके अंदर घुस जाता है, और जब बहुत अशांत हो जाता है, तो फिर वो मंदिर मस्जिद के खोजने लगता है, कहाँ वो शांति मिलेगी, और वो शांति क्या है, वो तो हमने उसको बढ़ाया, तो हमें ही उसे खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखातारो तथागता, बुद्ध यही कहते हैं, मैं मार्गदेशको मार्गदेशना कर दिया हूं, केवल बुद्धं शरणं गच्छामि करने से काम नहीं चलेगा, तुमको जो मैंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा दुख भी कम होता जाएगा, अशांति से शांति की ओर तुम बढ़ते जाओगे। तो बुद्ध ने कहा ना, अत्वग है अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो पड़ोसिया, उन्होंने ईश्वर को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि कहा कि ईश्वर तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता है, जो करना है तुमको करना है, क्योंकि राग ने तुमने पाला है, द्वेष ने तुमने पाला है, तो तुमको राग निकालना पड़ेगा, द्वेष निकालना पड़ेगा, कोई ऊपर की शक्ति नहीं निकाल सकती है, क्योंकि तुम्हें ये अत्ता ही अतनो, आप अपना मालिक खुद है। देखिए व्यक्ति व्यक्ति को उतने उन्होंने कितना बहुमूल्य बनाया और कितना उन्होंने महत्व दिया, कहा कि तुम ही मालिक हो, तुम ही ईश्वर हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया, तुम्हारा मालिक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। अत्यदीपो भव हो, आत्मदीप बनो, अंधकार क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। आप ये नहीं कि ये गलत कर दिया वो गलत किया हम इसलिए परेशान हैं, उस परेशानी का कारण बुद्ध कहते हैं तुम स्वयं हो, और अपना दीपक तुम जलाओ, और तुम अपने रास्ता खोजो, और उस रास्ता कहकर रास्ता तो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग बता दिया है, उस मार्ग पर चलो, अष्टांग मार्ग सभी लोग यहां बताने की जरूरत नहीं है, उस मार्ग पर चलना शुरू तो करो। वह मार्ग केवल बताने के लिए नहीं है कि ये 8 अंग हैं, ये अंग हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सा न जाने, थोड़ा ही सही जाने, लेकिन उस पथ पर चले,
तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। बहुम पीछे सनहितंग भासमानो न तकड़ो होती नरो पमत्तो गोपो वोगा वो गणयंग पड़े संग न भागवा समय से होती। बहुत से ग्रंथों का पाठ कर लिया, बहुत से पूरा आपने त्रिपिटक को याद कर लिया, पूरा आप डेली आप उसको पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। यथा ही ये केन चक्केन रथस न जायते गति एवं पटपत्ती विकलंग पड़यत्ति न सिज्जति। जिस तरह से एक चक्का से गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से केवल कहने से काम नहीं चलना होगा, उस पर पथ पर आपको चलना होगा। भगवान बुद्ध ने जो बताया है उसके मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारे अंदर जो है मैत्री का भावना जगेगी। मैत्री ऐसा बाहर का चीज़ नहीं है, मैत्री आपके अंदर की शक्ति कहें वह शक्ति है, उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। और तब हम लोगों के बीच में, हम पहले स्वयं से मैत्री करें, कहते हैं ना कि जैसे क्रोध करते हैं तो पहले हम अशांत होते हैं, पहले हम स्वयं से तो मैत्री करना सीखें कि हम स्वयं अशांत न होवें। जब हम स्वयं अशांत न होंगे तो हम खुद ही क्रोध नहीं करेंगे। जहाँ क्रोध करते हैं, जहाँ हम द्वेष करते हैं, जहाँ हम झूठ बोलते हैं, जब हम हिंसा करते हैं तो हम अशांत होते हैं। तो अगर हम पहले अपने से प्रेम करना सीखे, हम इसका अर्थ है कि हम अपने से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम अहंकार में जल रहे हैं, हम वाइस चांसलर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उस कुछ नहीं हैं, हम मानव हैं, यही समझे, हम मानव हैं, इस लोक में आए हैं कुछ करके चले जाएं, नहीं तो मानव और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। मानव यही है कि वह जो है वह परम सुख, अगर इसका उद्देश्य ही है परम सुख, परम सुख की परम उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। पूरा जो आयास प्रयास जो किया गया, इतने जो बड़े ग्रंथ देख रहे, हजारों लाखों करोड़ों जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वह अंतिम यही बताता है कि वह हम जो है निर्वाण की ओर चले जाए, मोक्ष की प्राप्ति ओर ले जाए। मोक्ष क्या है? मुक्ति है। पर इस जीवन में भी पहले मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए, और फिर अगले जन्म दुख का जो घर है या जीवन, फिर अगला जन्म भी ना हो, अगला घर ही ना बने, तो इससे हम मुक्त हो जाएं। यही भगवान बुद्ध का जो प्रथम जो उपदेश जो निकला, प्रथम जो उपदेश नहीं कहें, प्रथम उदान जो निकला, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, कहा कि अनेक जन्मों तक मैं इस लोक में आता रहा और दुख मैं भोगता रहा। गह कारक दिठोसी पुनगे हंग न कासी, हे घर बनाने वाली अविद्या, हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम घर नहीं बना सकते। देख लिया, मैंने अनुभव कर लिया है कि तुम तृष्णा हो, अब तुमने मैंने तुम्हें अलग कर दिया है, अविद्या का अंधकार छट गया है, हम अंदर प्रज्ञा का प्रकाश फैल गया है, और उस प्रज्ञा के प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों में मैत्री जगाना है, लोगों में करुणा पैदा करना है, लोगों के साथ संभाव के साथ रहना है, यही उपेक्षा है। और अब जो सुखी है उसके सुख में हमें साथ देना है, तो उसी में हमारा भी कल्याण है, उसी में जग का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है, सबका कल्याण है। भवतु सब मंगलं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। केवल कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। अब हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर अमरजी लोचन जी। अमरजी लोचन जी का जो एकेडमिक परिचय है, उसके साथ साथ एक परिचय मैं और देना चाहता हूं। आप हमारे संस्थान की बगिया के एक सुंदर फूल हैं, और हम चाहते हैं कि आप निरंतर अपने ज्ञान रूपी सुगंध से इस बगिया को सुगंधित करते रहे, हम सबको अपने ज्ञान से अभिसिंचित करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बड़े सादर और आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और अपने विचार व्यक्त करें। दोबारा आना कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ दोबारा आने से एक फ़ायदा हुआ कि मोबाइल फ़ोन मिला है मुझे, जिनका हो ले जाएं। पांच बिंदुओं को
नोट करके रखा है उस पर मैं एक एक मिनट लेके बोलना चाहूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रजेंट माई आइडियाज नॉट माई MY कैपिटल सब बच्चों तक में जाए स्कॉलर्स बैठे हैं दे विल बी आवर मैसेंजर्स मोर देन याहू आई थिंक दैट वे पहली बात जो सौहार्द की बात करने की नौबत कैसे आई भारतीय सभ्यता और पारस्परिक सौहार्द इसलिए आई कि हम लोग बौद्ध धर्म को अब ठीक से नहीं समझ रहे भारत की सभ्यता को भी ठीक से नहीं समझ रहे बौद्ध धर्म के इस विचित्र स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कौन है इसके लिए एक दिन का वर्कशॉप होना चाहिए आज का विषय नहीं है लेकिन बौद्ध जीवन शाश्वत है सजीव है सुशोभित है हम सबके मस्तिष्क मंडल पे अतीव रूप से प्रसन्न करने वाला वस्तु है अनंतर है और हिमालय से भी ऊंचा है इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता पड़ गई है इस 21वीं शताब्दी में जब 512 दिन हो गए यूक्रेन के युद्ध के और युद्ध चलेगा 5000 साल और उसमें यूक्रेन नहीं होगा कुछ और होगा और युद्ध बहुत खेल खेल में चल रहा है रात को रोज़ बात कर रहे हैं दोनों देश हाउ आर यू डूइंग टुडे तो एक उस गेम में ना फंसते हुए हम लोग अपनी ही रक्षा सुरक्षा करें उसमें बौद्ध धर्म का सहयोग लेना आवश्यक ही नहीं मजबूरी है और उसको भूलना पाप होगा ये मेरी भावना है फिर एक बात होती है कि हम सब लोग इस चर्चा करते हैं बुद्धिज्म मृतप्राय हो गया और एक युद्ध हमारे उस हिमालय के उस पार में भी चल रहा है संघर्ष विचारों का कि आज जो भी बौद्ध धर्म है हमारे चलते हैं ना कि भारत के चलते हैं कि भारत ने तो मारपीट के भगा दिया शंकर को बुलाया पिटा दिया भगाओ भागो तो ये सब विचार आया कहाँ से किन किन लेखकों से इसकी चिंता करने की बड़ी आवश्यकता है आदरणीय अंगराज चौधरी जी चले गए उन्होंने गोल्डन बॉ वाली जो फ्रेजर की किताब की चर्चा की इंद्र अग्नि की पूजा और आराधना और भय और मांगना उनके मांगने का संबंध का जो अर्थ समझते हैं वो अर्थ नहीं है शाश्वत सनातन को वो गोल्डन बॉ लिख ले या डायमंड बॉ लिख ले वो वज्रयानी हो ही नहीं सकता उसके लिए वज्रयान आना होगा तब समझता वो तो उसकी बातों को पढ़ते हैं हम लोग कोट करते हैं बहुत प्यार से आज भी इम्तहान में नंबर देने के लिए आप लोग जब कॉपी चेक करते हैं बच्चों की कहीं अंग्रेज का कोटेशन आ गया तो उसको दो नंबर तो एक्स्ट्रा देते ही हैं ये आपके गोरेपन का प्रतीक है और शायद भोलेपन का भी इस भोलेपन को समाप्त करना होगा कि अपनी चिंतन अपने विचारों को समझने के लिए करें तीसरी बात जो हुई इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट की बात शायद अंगरा चौधरी जी कह रहे थे अनुभव का एक चखने का जो क्रम मिलता है वो उन्होंने हनुमान चालीसा से चलते हुए पहुँचे तो पाया कि बुद्ध में ही मिलता है तो चखने की सुविधा जो है हमारे पास चखाने वाले शिक्षक नहीं रह गए जो इस अमृत चखने वाला कार्य को करें तो उसकी कमी के प्रति ध्यान जाए हमारा आदरणीय आनंद जी ने भी चर्चा की व्यास से बुद्ध की आनंद जी को ध्यान नहीं होगा हिमालय परिवार के संघर्ष में 1988 में इनके साथ था ध्यान नहीं होगा ध्यान लायक व्यक्ति रहा भी नहीं कभी तो ये व्यास से बुद्ध वाली बात जो है इसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है योगी रूप में नारायण को देखते हुए प्रतीक प्रकृति के नारायण जो व्यक्ति है दरिद्र नारायण तक की जर्नी में हम कहाँ फंस गए ये भी एक विषय है तो सौहार्द को हम समझें गिशेला दामदुल जी ने जो बताया SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसकी तारीफ चर्चा बहुत हो रही है मैं उसके तह में दूसरी तरफ से जाना चाहता हूँ सौहार्द खोजना है इसलिए उस SDG के 17 के गोल्स में देखेंगे तो सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी शिक्षा विकास योग्यता बराबरी लेकिन विच शिक्षा दे आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन इज दैट द ओनली वे फॉर लिटरेसी नो व्हेन दे टॉक अबाउट हेल्थ इश्यूज पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ
They're talking about the medicines coming from Basel in Switzerland. They're not talking about Ayurveda. They're not talking about Saurupa. SDG is another kind of crime which is happening around us. Our mastis ko kharab kar raha hai. Unke goal ke sare lakshan unke hi prati hai. Sare duniya ko gandgi di. Environment kharab kiya. 12 crore metric ton sirf carbon dete rahe. Ab unme unko carbon nahi chahiye. Idhar carbon hoga. Ab gali dete hain. Abhi bhi hamara hai 0.15 of the world carbon growing in the sky. पहले उन्होंने फैलाया और हमें आप मना करते हैं क्योंकि उनके नाक में बंद होने की स्थिति आ रही है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो बुद्धिस्ट मॉडल है हमें उस पर जाना होगा. जो अपने धर्म का मॉडल है उसमें जाना होगा. उसमें क्या है, बहती हुई नदी में दोबारा नहाने की चर्चा क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि हम हर मॉडल रोल मॉडल में उनको ही ले रहे हैं. हमारी अपनी थियोराइजेशन नहीं है, इंडिक थियोराइजेशन. वी ऑलवेज गो बाय मॉडल. आज थीसिस में थ्योरी की चर्चा नहीं आती है तो थीसिस हो जाता है. क्या लिखता है, कॉपी पेस्ट करके ले आया. प्लेजरिज्म चेक तो हिंदी में लिखिए तो ऑटोमेटिकली 1% आता है. तो यही चल रहा है कि हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं. सिगाल सूत्र की चर्चा आई. उस सिगाल सूत्र में जो भगवान बुद्ध कहते हैं उसमें इन्वायरमेंट, हैप्पीनेस सबका मिला हुआ ऐसा स्वरूप है. सिंगल उदाहरण से पूरा यूनाइटेड नेशंस हार जाएगा. संयुक्त राष्ट्र में आपने कहा एक भी बार प्रस्ताव नहीं आया. शर्म की बात है. हम उसको यूनाइटेड नेशन कैसे कर सकते हैं? वो तो डिवाइडेड नेशन है. आज भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी नहीं है. और नहीं होने के कारण में खोजते रहे कि नेहरू जी ने मना कर लिया, वो कर लिया. उसके इतिहास में आने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं है वो, देखिए. नो वैल्यूज. कहाँ से यूनाइटेड, कैसा नेशन? क्या यूएनओ से, यूएन होने से बहुत अच्छा हो गया वो? नो. हमारे सौहार्द को कम करने की मुद्राएं चल रही हैं पूरी दुनिया में. हर समय कोई ना कोई मौका खोज लिया जाता है और उसमें हम सिखाया जाता है कि सौहार्द तो है नहीं, चूँकि यहाँ भगाए हुए थे, उसने डिस्ट्रॉय किया. यहाँ तक कि रोमिला थापर मठों के डिस्ट्रॉयल के लिए भी बहुत भिक्षुओं को दोष देती हैं कि उनमें व्यसन हो गया था, वो हो गया. तो हम इन चीज़ों को खोजते खोजते थक गए. तो मुझे अब लगने लगा कि कैसे इसका सोल्यूशन निकले. हाउ टू अंडरस्टैंड द सौहार्द ऑफ आवर ओन विच इज़ ब्लड लाइन इन आवर लाइफ. वी आर मेड ऑफ दोज डी एन एज ओनली. जहाँ पर हमें सौहार्द सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आता है. कल्याण, मित्रता, युद्ध के बारे में, विचारों के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम जैसे बातों का. और इधर हाल में अभी जो चर्चा बुद्ध के अंदर की जो वचनों की जो हम पब्लिकेशन करें, आंगरा चौधरी जी को तो पद्म भूषण मिलना चाहिए. पहली बार 1000 साल में उन्होंने हिंदी भाषा में अठकथा का अनुवाद किया. 92 वर्ष की आयु है, आज भी 8 घंटा लिखते हैं. सौहार्द को बढ़ाने का काम वो ऐसे लोग कर रहे हैं. हमें ऐसे विद्वान चाहिए. तो गलतियाँ जो होती हैं उसके बारे में सोचने में मुझे लगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्टडिंग अबाउट बुद्धिज्म ऑन द प्रिज्म एंड थ्रू द प्रिज्म ऑफ दोज राइटर्स जो खुद नहीं जान पाते थे कि भारत का धर्म क्या है. रिलीजन में फंसे रहते थे और जो भी लिखा बनारस की गलियों में डंडे की मार खा के गिरिरसन ने संस्कृत सीखा, ये 1 घंटे की दूरी में सीखा. लेकिन सीखा क्या सीखा? जॉन प्रिंसेप का नाम आ गया ब्राह्मी का है बुद्ध की जानकारी मिलने के लिए. उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है. जॉन प्रिंसेप ने 1 लाइन नहीं लिखा पढ़ा, उसे आता नहीं था. जिस पंडित को लेके गया उसकी चर्चा कोई नहीं करता, वो भारतीय था ना. जिस प्रकार से वास्को डिगामा ने भारत की यात्रा की खोज के लिए कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन कन्हाई नामक व्यक्ति ने उसको रास्ता दिखलाया सौराष्ट्र पहुँचने का, उसके जहाज पर भटक रहा था कई महीनों से, वो हमें नहीं बताया जाता है. वो सौहार्द हमारा है. हमने दुश्मनों को भी आने के लिए रास्ता दिखलाया. सबसे पहला जो क्रिश्चियनिटी का चर्च बना वो कहाँ बना? एक मंदिर में बना. 110-12 AD का डेट होगा. तो हम सौहार्द में तो हमेशा जीते ही रहे हैं. तो अब हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं कि हम लोग बौद्ध और बुद्ध धर्म को पढ़ने के लिए उस स्रोत को पढ़ते हैं जो स्रोत हमारे स्रोत हैं ही नहीं. हम पढ़ रहे हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए. अभी मिलारेपा की बात कही, मिलारेपा की एक भी शुद्ध अनुवाद अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसी को कोट करते हैं. यहाँ भी पढ़ा जाता है. इसीलिए बुढ़ापे में, अभी मैं अपने बारे में बहुत कम बात करता हूँ, तिब्बतन भाषा का 2 वर्ष का एक डिप्लोमा में पास होने का प्रयत्न किया और पास तो हो गए. जैसे अंग्रेजी करते 21 घंटे में हो गए थे तो हम भी 12 घंटे में पास हो गए. लेकिन मुझे लगा कि स्रोत का जो गहराई है वहाँ मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा.
Why should we depend on English translation made in England at the coffee house table, like Oxford की और जो Polytech Society जितने भी translation हुए हैं, they're not done in the city where it has origin. तो हमें उन चीज़ों को देखना, अपने अनुवाद को देखना. लालजी बैठे हैं यहाँ पे, लालजी श्रावक पहले हम जानते थे, आपसे कई बार मिलना हुआ. इन्होंने भी अपने लेवल से जो काम किया अनुवाद और उसका अर्थ देने का, वैसे स्रोतों का अध्ययन करने से ही हम सौहार्द को समझ पाएंगे, जान पाएंगे. और अभी आपने रमेश जी ने चर्चा की, बुद्ध नहीं चाहते थे कि हम प्रचार करें जो भी सीख लिया, जो पा लिया है. लेकिन बुद्ध को जब ये भावना आई तो किसने प्रेरित किया इसकी चर्चा करना, आज की तारीख में पाप भी है, जबकि बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलता है. जैसे ही बुद्ध के मन में भावना आई कि नहीं यार हो गया, बहुत थक लिए, 6 वर्ष उधर ढूंगेसरी पहाड़ पर बैठे रहे, उधर उधर पैदल सारनाथ के रास्ते में भी गए, अब नहीं ये सब. उस समय ब्रह्मा आते हैं, उसी क्षण प्रकट होते हैं. ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बुद्ध क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा रोल नहीं है दूसरा, जाओ भाई आके काम करना है तुमको, ये क्या कर रहे हो. तो यहाँ पर हिंदुज्म वर्सेस बुद्धिज्म का झगड़े को बढ़ाने वाले इस चीज़ की चर्चा ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे. हम लोग जानते भी नहीं, बहुत लोग नहीं जानते. उसी प्रकार से इस्लाम के द्वारा जो विध्वंस हुआ उसकी चर्चा आ गई, हो गया, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आप देखेंगे भारतीय सभ्यता में कितना बड़ा त्याग हुआ है बौद्ध भिक्षुओं का. चचानामा पढ़िए ओरिजिनल फारसी में, चचानामा में वर्णन आता है कि आज हमने इस जगह के मंदिर को तोड़ा और बहुत मजा आया कि उसमें जितने ब्राह्मण थे उनकी हत्या की, तो उनके खून से कपड़े में, पीले पीले खून में लाल लाल, पीले पीले कपड़े में लाल लाल दाग अच्छा लग रहा था. वो ब्राह्मण समझता था, वो बौद्ध भिक्षु थे, क्लीन शेवन की चर्चा भी करता है. तो कितना संघर्ष पाके वो लोग आगे बचाया रखा. तो बौद्ध धर्म की तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमारा धर्म और विचार, जो जीवन शैली जिसको कहते हैं, वो चल रहा है. सततता और सौहार्द को हमें बढ़ाने के लिए अपने मूल स्रोत में जाना बहुत आवश्यक है. हम संस्थान को भी विनती करेंगे कि मूल स्रोतों के आधार पर अपने धर्म को बताएं, बौद्ध धर्म को बताएं, हर विषय में बताएं, तब जा करके हम इस सौहार्द को अच्छे रूप में समझ सकेंगे और उसको ज्ञान प्राप्त कर हम आगे भी एक दूसरे को पढ़ा सकेंगे. मैं सारे यंग विद्वानों को कहूँगा, मैं तो सबसे बड़े विद्वान तो यंग लोग बैठे हैं यहाँ पे, मोबाइल हाथ में होने के बाद भी वो बड़े विद्वान हैं, उनको सीखने का ये एकमात्र उपाय ही है, तभी आपका धर्म बचेगा. तिब्बत को तिब्बत नहीं कहा जाता, हम लोग तिब्बतन ही बोलते हैं अंग्रेजी में. तिब्बत में किसी को तिब्बत नहीं जानते थे. पूछ लीजिए किसी आमदो, आई वेंट टू लासा आमदो 2 times, मैंने देखा तिब्बत शब्द बोलने से कोई जानते ही नहीं. तिब्बत शब्द तो अंग्रेजों ने दिया, उसी को चला रहे हैं हम लोग, जैसे लखनऊ हो गए लखनऊ. तो इन शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ, जब तक हम अपने में आत्मसात करके अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, इट्स नेक्स्ट टू डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल रादर, टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, हाउ मच वी आर टुगेदर इन दीज वर्ड्स. आई एंड विथ ऑल प्रणाम टू एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमें पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को त्याग कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने की आवश्यकता है. और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के पास 2 पक्ष थे, भोग और दुख, पर उन्होंने भोग को त्याग कर दुख को अपनाया. क्यों? दुख उतना ही सत्य है. बुद्ध दुख के से मानव की निवृत्ति चाहते थे, वे जीवन से पलायन का नहीं, जीवन के प्रति प्रवृत्ति का संदेश दे रहे थे. पर यह प्रवृत्ति जीवन की वास्तविकता की पहचान से जुड़ी थी. तत्कालीन परिस्थितियों में उनका संदेश इतना आकर्षक था कि जनसाधारण ही नहीं, राजसत्तासीन व्यक्ति भी आकृष्ट हुए. इसकी पंडित सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की स्वीकृति हुई. बुद्ध का संदेश प्रेम का संदेश है, मानवीय मूल्यों का संदेश है. लेकिन मानव अपने कर्मों के कारण दुख से घिर जाता है. इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने कहा था, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार. हम अपने कर्मों के कारण दुख में कैसे घिरते हैं, उसी का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया. अब हम अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर कमल सिंह जी को, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु, संकाय अध्यक्ष, फाउंडर कोऑर्डिनेटर इंटर कल्चरल स्टडी सेंटर और एकेडमिक कॉलेज BHU के आप निदेशक भी रहे हैं, मैं बड़े सादर और के साथ आपको
आमंत्रित करता हूँ कि आप आवे अपने सारगर्भित वक्तव्य से हम सबको अभिसिंचित करें। प्रोफेसर कमल सिंह जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, मंचस्थ सभी विद्वानगण, सभागार में उपस्थित सभी विद्वानगण, ऑनरेबल भिक्खु संघ स्टूडेंट्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट, इट्स रियली अ प्लेजर टू बी हियर एट दिस इंस्टीट्यूट after a long time, and I am grateful to Honorable Vice Chancellor Professor Negi ji and Sunita Chandra ji, and also Amarjeev Lochan ji, who invited me to attend, you know, this seminar. I am not an expert in Buddhist studies, and so it's really difficult to justify, you know, my presence in this, you know, August gathering. But the topic of today's seminar, the Buddhist value system in the Indian civilization and mutual cordiality, is interesting insofar as the attempt is to explore Buddhism's contribution to the Indian civilization and to analyze the idea of mutual cordiality that this value system promoted and that resulted in the spread of Buddhism both in the country and the outside. And I'm thankful to the two of previous speakers who have made, you know, my task easier, because they have, you know, explained all those, you know, what I really want to say. And also in the inaugural session, you know, there was a much more, you know, broader and brilliant exposition of the idea of Buddhism and how, you know, it helps in bringing, you know, peace and harmony in the world, which is, you know, the crucial problem of our, you know, modern society. So this is an area which has received, you know, good attention from scholars of Buddhism, and there has been, you know, good studies on that. And contemporary world is looking for answer for contemporary problem in Buddhism. Buddhism is now much sought after by both intellectuals and the common people. So my observations or musings on this topic come not as an expert in this field, but more as a practitioner. I seek your indulgence if I appear to deviate from the main theme. There is no doubt that as an alternative ideological and philosophical force within the Indian civilization, Buddhism grew out of those social, cultural and political fractures within the Indian civilization that the contemporary prevalent ideology failed to answer. The Buddhist discourse directed itself precisely to such fissures and introduced a path more in the sense of Chinese Tao to cross over the phenomena of dukkha or sufferings and achieve self-liberation. Growing out of the Indian milieu, Buddhism contributed greatly to enrich and strengthen the Indian civilization. The Buddhist value system was produced and its impact extended from ideological to material realm. One way to look at that and get a wider overall picture of the impact of Buddhism on the Indian society and civilization is to link that with the broad framework of the Buddhist education system, about which Animesh and other speakers have already talked about. So the education system, the Buddhist education system, expanded the scope of knowledge by classifying it into five areas of learning, each of which developed imbibing the essence of Buddhist values. These were the study of language, that is Hetu Vidya,
studies of technology and calendar. This is Shilpkar Anasthan Vidya, medicine, pharmacy, and the study of magical charm, Chikitsa Vidya, then logic, Hetu Vidya, and the study of Buddhist doctrine is Adhyat Vidya. So these five, you know, were the core system, a core aspect of Buddhism, with help, you know, a practitioner learn about Buddhist value system. For example, the Shabda Vidya focused on the art and science of the language that accompanied creation of the Tripitaka and its commentaries and the massive collection of Jataka literature. This is in turn contributed to the reification and phenomenal growth of language and literature. Vernacular languages like Pali and Prakrit led to hybrid Sanskrit and enriched and promoted Sanskrit as a classical language. Buddhist epistemology, hermeneutics, logic were deeply connected with the language. As such, thank you. As such, Buddhism played an important role in the strengthening and systematization of language and writing, and vernacularizing the classical language. And this happened also in China. Wherever Buddhism went, it helped in bringing, you know, highly vernacularized element to the classical language. So that was, you know, one of the most important contribution, which echoed, you know, what Buddha actually meant, you know, to make Buddhism more public, to make Buddhism accessible to all people, irrespective of their caste, religion, language, region. So Hetu Vidya, this Shabda Vidya, was an important part of the Buddhist education system. Second was in the field of architecture, Chaitya Vihar and stoop, and especially sculpture, witnessed a major development, creating a special style of art forms that became known as the Buddhist art and impacted the Indian civilization. The Buddhist architecture received recognition with development of places of worship, which were more ornate and built forms as large domes with cardinal entrance point. Basically, three important types of structures were built and used by followers of Buddhism, namely stupa, Chaitya halls, and viharas. Stupas were erected to preserve relics of Lord Buddha. Chaitya halls were large congregational spaces meant for group prayers and worship, which sometimes also housed stupas. Viharas were monasteries constructed of bricks or excavated out of rocks, where monks stayed and studied in cells built for them. So that is, you know, like sharing the space was another, you know, idea which this education system, you know, promoted. And sharing the space without, you know, any concern about differences among the people and region. And then I think the most important was the Chikitsa Vidya. As far as Chikitsa Vidya is concerned, Buddhist literature projects Buddha as a Vaishajya Guru or medicine Buddha, and provide Jataka story provides numerous account for the achievement of monk doctors in healing, curing, and relieving people from suffering. In the area of medical sciences, monasteries became the founding grounds for the public hospital and doctors. Among the five vidyas taught within the monastic universities, medicine was one important component. Nalanda was one of the excellent example of such a monastic university. Xuanzang and I Ching both attest to the teaching of medicine at Nalanda. Also, it is important to underline that the public health related work accomplished during the Mauryan period endured and functioned for over 600 years. For the Chinese traveler Fa Xian was significantly impressed to have commented upon, have
was thinking by the medical facilities and have commented upon the public health and healing center in detail. Phocion, as a contemporary of Chandragupta, had painted and portrayed the working of charitable dispensaries in Pataliputra. Archaeological evidences of the Arogya Vihar, health houses, of the Buddhist monastery at Pataliputra, discovered during the excavation at Kumrahar, attest to Phocion's observation and description. So, the existence of Arogya Vihar on the basis of Phocion's travel narrative and archaeological excavations, they attest to the important role that Chikitsa Vidya had in the Buddhist, education system, and which was also a component of, the larger values which Buddha was promoting. And people believe that the hospital system had its origin from monasteries, because they were, and actually, more researchers in that area said that doctors, like most of the Vaidyas who came and practiced there, were not from India, like most of the Vaidyas still today are Shakaldvipi Brahmins, like Brahmins who came from, Shakan areas, because the Brahmins here were hesitant about, touching the lower caste people or, doing surgery and all this thing. So a separate, caste system developed with, this kind of education, and the Buddhist monks, they became so famous, as doctors, that Acharya Nagarjuna, was a very famous eye doctor, was a philosopher who went to China, and one of the most Chinese, famous Chinese poet, he wrote that I had stopped writing poetry because I was afflicted with cataract. And then this Indian doctor Nagarjuna came and he operated me, and I can now, write. So that was the contribution, recorded and much quoted in China. Even Jivak, the Buddhist, Buddha's doctor, was trained in Takshila, and his temples are in China, and is not, much remembered in India in the system. Then works of Buddhist, logicians and Buddhist spiritual masters and their contribution to the Indian philosophical tradition are too numerous to even list. The historical Buddha's discursive views on epistemology and reasoning received a systematic and logical rendering in Vasubandhu's text. Dignak's compendium on logic established him as the founder of Buddhist logic. Another famous one in the line was Dharmakirti, who is regarded an essential part of Tibetan Buddhism. They all contributing to taking the Nyaya school of Indian philosophy to new heights and enriched this study of logic in the Indian civilization. And what overwhelmed all these lines of knowledge and learning contributing to the embellishment of the Indian civilization was philosophy of Buddhism. The core of Buddhist philosophy remains identified with the concept of Four Noble Truths, which Buddha expounded in his first sermon. These noble truths are the universal fact of suffering, the cause of suffering, then dukkha nirodha, and fourth, the path leading to the cessation of suffering. And that required, following the Eightfold Noble Path, known as the Middle Path. Doing that would lead to the comprehension of Tilakshana, three hallmarks fundamental to the Dhamma, Anicca, and Anatta. So in the core doctrine of Pratitya Samuttvad, the theory of dependent origination, which is the real foundation on which the entire philosophy of Buddhism is built. According to Buddha, one who understands Pratitya Samuttpada understands the Dhamma, and the one who understands Dhamma understands the Pali Samuttpada.
down to the micro level, the human being is viewed as a string of processes governed by the principle of dependent origination. Since everything within a human being, including physicality and thought, depends on other things to exist, nothing within this human being is genuinely independent or autonomous. The doctrine of no self does not rule out the existence of temporary aggregate capable of responding to environment stimuli, that is our body and mind. Also, it recognizes the diversity among all beings and the uniqueness of each, since its being undergoes, you know, constant changes while responding and reacting to its own way to all other beings and things around. So the ever-changing quality in any being denotes a vast capacity for change and development possible in either direction, for better or worse. And so these, you know, like five vidyas, which Buddhism, you know, promoted as contents, you know, the essential values of Buddha and help in learning, you know, the actual meaning of Buddhism. And in disaggregating and promoting Buddhist values, the credit goes to Ashoka to identify the real objectives of the Dhamma in the wider interest of public life. For Ashoka, the philosophy of Buddhism was a simple message of cultivation and development of life forces inherent in human personality. Dhamma signified to him harmony and cooperation in human relationship. Through abiding peace among different people as a cardinal principle in the regulation of human affairs, the Buddhist culture could generate forces of social adjustment and understanding, cooperation and integration. In the realm of peace, Ashoka visualized the end of all disintegrating and corrosive elements in the lives of the people. As the existence of the supreme political power and organization depends upon war and its paraphernalia, bringing in its trail the war-mindedness of the people, or so the principle of peace negates the spirit of political aggrandizement and establishes a new human relationship between people and people as a new social order for promoting human welfare on the basis of human persuasion, understanding, appreciation and toleration. So, the mutual cordiality which was linked, you know, or which developed out of, you know, such type of education is very important to get to notice and to practice, because like we are now talking about, like, say, STEM education system, or STS, science, technology and society, you know. Like in the West, these are, you know, the most popular subject for liberal education. But here you have a very developed, very humanistic, you know, education system, which was already, you know, promoting things which are required by common person to develop, you know, compassion, to develop tolerance, to develop, you know, conciliation, which are, you know, part of the Buddhist education system. So I, with this, you know, words, I think there's many more things, but I stop here. So I, this is what, you know, I say, that education system must be looked when we discuss, you know, this topic. And Anmesh and Ramesh Prasadji and Hamanji Lochanji all have, you know, emphasized this. I've tried to put that in, you know, some purpose. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए. और अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए हम वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर प्रदुम दुबे जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें. पूज्य भिक्षु संघ मंच पर
उपस्थित विद्वजन, इस संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी, इस संस्थान की कुल सचिव डॉक्टर सुनीति चंद्रा जी, सामने विराजमान प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर पेमा तिंजिन जी, प्रोफेसर हरिकेश सिंह, प्रोफेसर राम जी सिंह, प्रोफेसर लाल जी एवं अन्य अनेक गणमान्य विद्वजन, छात्र एवं छात्राएं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, फिर जब नज़र पड़ रही है तो लोगों को देख रहा हूँ और बहुत से लोगों का नाम स्मरण है, जानता हूँ, लेकिन समय के एक मर्यादा भी है, इसलिए सबको के नाम से संबोधन नहीं करूँगा। जो इस समय वर्तमान में विश्व की स्थिति है, उस दृष्टि से यह विषय बड़ा ही अच्छा विषय रखा गया है और बिल्कुल संगत है, रिलीवेंट विषय है। और G20 देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए और भी यह प्रासंगिक है। इस संगोष्ठी के विषय में महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं। एक तो बौद्ध जीवन शैली, तो मैं बौद्ध जीवन शैली की चर्चा नहीं करूंगा। बौद्ध में जो जीवन मूल्य हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हैं, उनकी चर्चा करूंगा। और पुनः सौहार्द, सौहार्द सुहृद का भाव सौहार्द होता है, सुहृद कहते हैं मित्र को, मित्र का भाव तो सौहार्द है, मित्रता है तो सौहार्द, इन पर मेरा केंद्रित रहेगा मेरा वक्तव्य और मेरे विचार। बुद्ध ने कहा है, जिसको अनिमेष प्रकाश जी ने भी जिस गाथा को उद्धृत किया, सब पापस कारणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। तो सभी पापों का न करना, तो पाप जो व्यक्ति के अहित के लिए होता है और समाज के लिए दूसरे व्यक्तियों के अहित के लिए होता है, वह सब का सब पाप है, तो वैसे पापों का न करना। चाहे जितने भी तरह के पाप हैं हम लोग देखते हैं, चाहे हिंसा है, झूठ बोलना है, चोरी है, चाहे डकैती है या बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, जितनी भी बातें हैं इस ढंग की, सबका सब पाप है। तो सभी पापों का न करना। कुशलस उपसंपदा का अर्थ है कि जो अच्छे या पुण्य कार्य हैं, जो जिनसे दूसरों का भी हित होता है, उनका संचय करना और अपने चित्त को निर्मल करना, तो यह बुद्धों का ये शिक्षा है। तो हिंसा
यदि हम लेते हैं तो हिंसा तो सीधे हत्या कर देना या मारना पीटना यह सब भी हिंसा, और इतना ही नहीं केवल मनुष्य की ही हिंसा नहीं वह प्राणियों की भी हिंसा, और अपने वचनों से कठोर वचनों से किसी को दुखी करना, अप्रिय वाणी से दुखी करना यह भी हिंसा है। और यही नहीं पर हित पर अहित का चिंतन करना, दूसरे लोगों के अहित का चिंतन करना यह भी हिंसा है। यदि कोई आपका अहित किया हो कर रहा हो तब भी एक सच्चा बौद्ध वह उसके अहित का चिंतन नहीं करता है, करने की बात तो दूर चिंतन भी नहीं करता। इस ढंग की मन में यह बात भी नहीं लाता सच्चा बौद्ध। यदि सच्चा बौद्ध है, बुद्ध का अनुगामी है, तो यह नहीं सोचता कि हाँ उसका ऐसा हो जाए उसका भी बुरा हो। तो और पुनः जब आते हैं सत्य पर, तो सत्य सत्य भाषण तो सत्य है ही, किंतु वह सत्य भाषण किसी का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा सत्य न हो जिससे दूसरों की हानि होती हो, या कभी कभी तो यह स्थिति की प्राण दंड किसी को दे दिया जाए जैसे हुआ करता था। तो सत्य ऐसा होना चाहिए जो कि सबके हित में हो, दूसरों के हित में हो, और अपनी वाणी से वह दूसरों को कष्ट भी न पहुँचे। सत्य तो हो लेकिन अप्रिय कठोर न हो, और व्यर्थ की बातें करना तो यह भी नहीं। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि धम्मी कथा वा अरियंग तूढ़ी भाव, या तो धर्म की कथा, तो धर्म की भी कथा वहाँ पर है, तो किसी विशेष धर्म के लिए उन्होंने नहीं कहा। और वह जो सत्य का मार्ग है वही धर्म है, जो और जो सत्य केवल सत्य भाषण से ही सत्य नहीं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सही मार्ग पर चलने वाला, और सही मार्ग जो होगा वह व्यक्ति के साथ साथ वह समाज के कल्याण के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा, या सबके कल्याण के लिए होगा। तो सत्य का मार्ग, और जो बात आई फिर उन्होंने कहा कि कुशलस उपसंपदा, तो वह जो है कुशल कर्मों का, अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का करना, तो जितने परहित से संबंधित कार्य हैं, अब तो बहुत से कार्यों को सरकार किया करती है, नहीं तो लोग रास्ते बनाते थे, सड़कें बनाते थे, सरोवर खोदते खुदवाते थे, कुएं, चाहे जितने चिकित्सालय या वह शिक्षालय कहिए, विश्वविद्यालय कहिए, चाहे पाठशाला, यह सारे पुण्य कार्य। तो जिस इस तरह के जो परहित से संबंधित, समाज के कल्याण से संबंधित सारे कार्य पुण्य कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, बिना किसी स्वार्थ के भावना के। यह नहीं कि कॉलेज बनाया उससे हमारी कमाई हो, या कुछ किया तो उसे कमाई नहीं, वह नहीं, स्वार्थ रहित।
जिसकी सामर्थ्य है, नहीं है सामर्थ्य तो लोग किया करते थे, रास्ते को साफ सुथरा रखते थे, मंदिर को साफ कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, रोगी की चाहे घर कमजोर व्यक्ति की, अशक्त व्यक्ति की, वृद्ध की, ये सारे के सारे पुण्य कार्य हम पढ़ेंगे। और फिर कहा सचित्त परियोधपना, तो वह निर्मल चित्त, चित्त को मन को निर्मल बनाना। निर्मल मन तभी होगा जब व्यक्ति स्वयं सही होगा, सच्चा होगा, किसी का अहित नहीं करेगा, हित का ही चिंतन करेगा, दूसरे के कल्याण का चिंतन करेगा, उसके अंदर कभी वैर का भाव कि किसी ने उसका अहित किया है उसके प्रति वैर का भाव नहीं होगा, और तो तभी निर्मल होगा। और जब उसका चित्त निर्मल होगा तो तब जो है वह समस्त प्राणियों, मित्रता तो होती है, व्यक्ति व्यक्ति की मित्रता होती है, और सच्चा मित्र भी अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है, उसके कल्याण की बात करता है, हित की। लेकिन जो बुद्ध की का बताया हुआ मैत्री भाव है, बुद्ध ने जिस मित्रता की बात कही है, अब बौद्धों में जो होना चाहिए एक सच्चे बौद्ध में, तो पर सत्येषु हित सुखाध्यासयो मैत्री, जो दूसरे जीवों के हित और सुख के लिए भावना है और उसके लिए फिर कार्य करना, वह मैत्री है बिना स्वार्थ के। वह नहीं कि वह मेरे प्रति क्या भाव रखता है। तो जब तक इस तरह का मैत्री भाव नहीं उत्पन्न होगा, और मैत्री भाव भी होता है समस्त प्राणियों के लिए, जो बुद्ध जो जिस मैत्री की बात करते हैं, तो वह जो है कि पर सत्येषु पर सत्येषु उसका यह अर्थ है कि दूसरे के जीवों के प्राणियों के कष्ट को देख करके पर सत्तानं दुखं, पस पाली में कह सकते हैं, इस समय पंक्ति याद नहीं है, साधु नांग हृदय कंपनं करोति इति करुणा, कि दूसरे जीवों के कष्ट को देख करके जो साधुओं के सज्जनों के हृदय में कंपन होता है, वह द्रवित हो जाते हैं, वह करुणा है। तो यह ऐसे करुणा भाव से जो जीवों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति वह भाव रखे और इस तरह का मैत्री भाव रखे, तो युद्ध के लिए कहाँ अवसर। लेकिन ऐसा भाव जो प्रोफेसर अमरजीत लोचन जी ने कहा कि यह आवश्यकता है ऐसे लोगों की होने की, कि जो वह वैर भाव को मैत्री भाव में बदल दें। वह वैर से वैर तो शांत नहीं हो सकता, नहीं वेरेन वेरानि सम्मंतिध कुदाचनं,
अवेरेण च सम्मति एष धम्मो सनातनम्। तो बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वह तो मैत्री भाव से ही शांत होता है। यह हमारा सनातन धर्म है, हमेशा से चले। तो प्रारंभ से आदिकाल से चला आ रहा है धर्म, है हमारी परंपरा है। बुद्ध एक बौद्धों के मूल्य से, जीवन मूल्य की तो बहुत सी बातें हैं, एक कुछ कुछ न, और शायद समय का भी, एक समय की भी मर्यादा है, तो लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं चर्चा, उन बातों की चर्चा करता हूँ। बौद्ध में भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के अपने विवेक पर, अपने बुद्धि पर, अपने चिंतन को बहुत महत्व दिया है। तो वह एक बौद्ध, सच्चा बौद्ध सोचता है कि क्या सही है, विवेक करता है। कहीं किसी बड़े आदमी ने कह दिया, उसके श्रेष्ठ ने कह दिया, आचार्य ने कह दिया, किसी पुस्तक में लिख दिया, उससे नहीं। तो बुद्ध ने कहा है, तापात निकषात छेदात सुवर्णमेव पंडितै परीक्ष भिक्षो ग्राह्य मदवचः न तु गौरवात्। कि जैसे जैसे एक सुनार, सोना कि कितना शुद्ध है, इसको देखने के लिए अग्नि पर तपाता है, फिर साँड़ पर चढ़ाता है, फिर उसको काटता है, तब उसकी परीक्षा करता है कितना सही है। तो हे भिक्षु, ऐसे ही मेरी वचनों को तुम परीक्षा पूर्वक ग्रहण करो, मेरे प्रति गुरु भाव होने के कारण, सम्मान भाव होने के कारण, कि हमारे शास्त्रा हैं, हमारे टीचर हैं, इस मारे इस पर विश्वास मत कर लो, तुम उसकी परीक्षा करो। तो एक बड़ा स्वातंत्र दिया है उन्होंने व्यक्ति के विवेक को, व्यक्ति के स्वयं की बुद्धि को। और प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने कहा कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कि चंग आतपंग अखा तारो तथागता, कि कार्य तो तुम्हें ही करना है, मैंने मार्ग बता दिया है, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक सफल नहीं होगा, होगे। तो कार्य तो तुम्हें करना है, तो वहाँ पर श्रम को भी, परिश्रम को बहुत महत्व दिया है। और इसलिए उन्होंने एक भर्तृहरि, संस्कृत के कवि और बौद्ध थे, उन्होंने लिखा नमस्यामो देवान ननु हतन धेस्ते पिवशगा विधिर वंद्यः सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मा यत्तम किम विधिर किम परै किम च विधिना नमस्तस्त कर्म्योभ्यो एभ्यः विधिरपि न प्रभवत्। कि हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन देवता भी कहा कि शक्तिहीन, शक्तिहीन ब्रह्मा के अधीन है। क्यों शक्तिहीन कह दिया? क्योंकि कहा कि विधिर वंदे सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलद, ब्रह्मा वंदनीय तो हैं लेकिन वह कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो हमें फिर देवताओं से और ब्रह्मा से क्या लाभ? तो हम तो कर्म की ही उपासना करते हैं, कर्म को ही प्रणाम करते हैं। चर्चाएं बौद्ध मूल्यों की अनेक हैं। एक बात और कहूँगा, क्योंकि कभी कभी विद्वानों में भी यह कुछ एक बुद्ध के वचन को लेकर के भ्रम हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा मैं करता हूँ। और उसमें भी
बुद्ध ने व्यक्ति को महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है धर्म को। धर्म मतलब जो सत्य का मार्ग है, सत्य और सत्य के मार्ग को महत्व दिया है। तो उन्होंने कहा, यह वह पाली ग्रंथ है तो उसमें जो त्रिपिटक का, तो उसमें सुत्त पिटक का देह निकाय और उसमें महापरिनिब्बान सुत्त में कहा कि उसने कहा कि दीपा अत दीपा व्यर्थ भिक्खवे अत शरणा अनय शरणा धम्म शरणा अनय शरणा। तो उसमें उन्होंने कहा जो स्वयं को दीप कहा तो दीप नहीं द्वीप कहा, कि अपने को ही अपना सुरक्षित स्थान बनाओ, ऐसा बनो अपने कर्म से अपना सुरक्षित स्थान। अत शरणा स्वयं की शरण में जाओ, या जाते हो तो धर्म दूसरे के शरण में नहीं धर्म की शरण में जाओ। तो यह कहा, इस अर्थ को संपुष्ट कर धम्म पद की एक पंक्ति पूरी इस समय याद नहीं पड़ रही है पंक्ति, तो दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नापि कीरति नाभिकीरत अभिकीरत, कि व्यक्ति को ऐसा द्वीप बनाना चाहिए, सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए, ऐसे आइलैंड बनाना चाहिए जिसको बाढ़ भी नहीं डुबा सके, मतलब सांसारिक बाढ़ भी नहीं डुबा सके। तो जो बुद्ध की ने और जो जीवन मूल्य दिया है वह परिश्रम का दिया है, कर्तव्य का किया, और सत वह कर्तव्य जो है सत्कर्म होना चाहिए, और स्वविवेक को महत्व दिया है, और सब में मैत्री भाव सबके प्रति, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव करुणा का भाव रखने का शिक्षा दी है। उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करना तो कितने दिन ये संगोष्ठी हो जाएगी, बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इस संस्थान के कुलपति जी का, इस संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीति चंद्रा जी का, और प्रोफेसर राजीव लोचन जी का, कि इन लोगों ने अवसर दिया मुझे इस सभा में उपस्थित होने के लिए और एक सत्र की अध्यक्षता भी करने का और आप लोगों के समक्ष कुछ शब्द कहने का। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि अगर संसार के सभी प्राणियों में दया करुणा मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाए तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक दो महत्वपूर्ण सूचना है, इसके बाद हम भोजन के लिए जाएंगे एपी गेस्ट हाउस में, और द्वितीय सत्र हमारा इसके बाद 2:30 से 3:50 तक चलेगा, और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, इसके वक्तव्य देंगे प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी, प्रोफेसर लाल जी, श्री रविशंकर जी, और इस सत्र का संचालन करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सुचिता शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आवें और धन्यवाद ज्ञापित करें। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रद्युम दुबे जी, प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, प्रोफेसर कमलशील जी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, डॉक्टर अनिमेश प्रकाश जी, सदन में उपस्थित परम श्रद्धेय परम संत प्रोफेसर बांगचुक नेगी जी जिनके नाम मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है, भिक्खू संघ, संस्थान की कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, कुलसचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी,
एवं समस्त विद्वज्जन छात्र एवं छात्राएं। वक्ता के रूप में डॉक्टर अनिमेश प्रकाश जी डिलीवर्ड अ वैल्यूएबल लेक्चर ऑन वैल्यू एजुकेशन इन बुद्धिज्म। थैंक यू सर। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने अपने उद्बोधन में जो जगा दे बुद्ध और जो जग जाए वो बौद्ध, बौद्ध जीवन शैली के वास्तविक स्वरूप को सरलतम भाषा में बताया। इस प्रकार के उपदेशात्मक उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार। प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी ने बताया कि वर्तमान स्थिति में जहां युद्ध का वातावरण बना हुआ है, एनवायरनमेंट खराब है, व्यास से बुद्ध तक के बीच का एक गैप है और सौहार्द संबंधित कई प्रश्न खड़े किए। आपने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को त्याग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाने की आज आवश्यकता है। आपके सारगर्भित उद्गार के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रोफेसर कमलशील जी, आपने बताया कि क्रूशियल मॉडर्न सोसाइटी और इस तत्कालीन समाज जो दुख और सफरिंग से ग्रस्त है, आपने बताया कि 5 टाइप ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम तथा बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम को समझकर हम इसे प्रैक्टिस में लाकर इस दुख और सफरिंग को दूर कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि चित्त को निर्मल करना ही बुद्ध की शिक्षा है। इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार। सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं सभी बंधुओं का जिन्होंने उत्साहपूर्वक एवं शांत भाव से इस सत्र को सुना, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सत्र का संचालन कर रहे डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी जी को एवं उनको कुशल संचालन के लिए आभार। और इस सत्र में परोक्ष एवं अप्रोक्ष रूप से जुड़े सभी सदस्यों का जो इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं, उनका हृदय से आभार। भोजन के बाद 2:45 पर अगले सत्र में हम यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।